हे गाइस वेलकम बैक टू जुगाड़। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं माइक्रोवेव ओवन। अभी आपको दिख नहीं रहा, यहाँ साइड में रखा था, ये खराब हो गया। बेसिकली इसमें बहुत छोटा सा फंडा है खराब जो हुआ है, मतलब हाँ थोड़ा सा है जुगाड़ू वालू पंती वाली, इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो। देखो मेरे जो ओवन है इसमें क्या है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सब कुछ ड्राइव इसकी रोटेट कर रही, जो प्लेट होती है वो रोटेट कर रही, लाइट जल रही है, फैन की आवाज आ रही, सब कुछ आ रही है, और बट ये हीट नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। बहुत क्विक वीडियो ये होने वाली है और तुरंत इस पे मैं बताना चालू कर देता हूँ। देखो माइक्रोवेव क्या एक बहुत छोटी सी डिवाइस है जिसके अंदर मेजर चार कंपोनेंट्स होते हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर। ये चार कंपोनेंट्स ही खराब होते हैं, इन चार कंपोनेंट्स को आप सही कर दोगे, ये जो बेसिक प्रॉब्लम है जो आपकी हीट ना करने वाली प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगी। अगर इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम जैसे लाइट नहीं चल रहा है या कुछ और खराब है या ड्राइव जो इसकी डिस्क है वो नहीं घूमी तो मोटर की फॉल्ट है या कुछ और फॉल्ट होगी, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम होती है जो हीट नहीं करता या माइक्रोवेव तेज आवाज करता है, थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा आवाज करता है, तो उसकी बहुत सीधा फंडा है। अभी मैं खोल के बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। माइक्रोवेव में चार कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला होता है ये डायोड। ये डायोड होता है जो कैपेसिटर और बॉडी के साथ अटैच होते हैं, सबसे जनरली यही खराब होता है, तब माइक्रोवेव ओवन थोड़ा ज्यादा आवाज करते हैं और हीटिंग के प्रॉब्लम आती है। ये डायोड अप्रॉक्स 20 से 30 रुपीस मिलता है, या आप बदल दोगे तो वो सही हो जाएगा। लेवल वन की प्रॉब्लम अगर आपकी सॉर्ट आउट नहीं होती इससे तो सेकेंड प्रॉब्लम आती है, इसको मैं चेक करने का भी तरीका बताता हूँ। अगर आप सीरीज में कनेक्शन जोड़ोगे अपने मल्टीमीटर से, यानी बजर मोड से जोड़ोगे कनेक्शन, तो आप इसको चेक कर सकते हो। डायोड एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक तरफ से एक गेट है भाई, एक दरवाजा जिसमें करंट यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, और लेकिन अगर करंट यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो नहीं जा सकती, करंट यानी कि वोल्टेज। ठीक, तो अगर हम कंटिन्यूएशन मोड पर हम लगाएंगे ऐसे तो ये बीप कर रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो अगर हम एक तरफ से लगाएंगे तो एक तरफ से ये बीप करेगा और दूसरे तरफ से ये बीप नहीं करेगा, तो ये डायोड की प्रॉपर्टी होती है। अगर इस टाइप से डायोड आपका दोनों तरफ से ओपन ही हो या दोनों तरफ से क्लोज हो तो ये मतलब डायोड आपका खराब है, ऐसे आप चेक कर सकते हो डायोड। तो मेरा डायोड भी खराब है मेरे माइक्रोवेव ओवन में, मैंने खोल के उसको प्रॉपरली चेक कर चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा सेकंड पार्ट होता है लेवल टू प्रॉब्लम होती है, जो होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर बेसिकली एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर कैपेसिटर होता है, अभी खोल के सब मैं बता दूंगा आपको। कैपेसिटर खराब होता है जनरली तो वो पावर आउटपुट इतनी नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से माइक्रोवेव ओवन चलता नहीं। उसको चेक करने का क्या तरीका, आप पावर सप्लाई भी कैपेसिटर को 2-3 सेकंड के लिए चार्ज करो और उसको शॉर्ट सर्किट दो, अगर वो कट से आवाज आ रही है तो दैट मींस कैपेसिटर सही है वरना खराब है। मेरी केस में मेरा कैपेसिटर सही है। थर्ड चीज आती है जो होती है मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन क्या होता है, मैग्नेट्रॉन का बेसिकली यूज होता है, ऐसा कुछ दिखता है मैग्नेट्रॉन, इसका बेसिकली यूज होता है ये इलेक्ट्रिक जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स होता है उसको वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से हमारा फूड जो होता है या पानी जो होता है कुछ भी चीज होता है वो हीटअप करता है। ये मेन पार्ट होता है जो माइक्रोवेव ओवन में लगता है, जिसके वजह से हीटिंग प्रॉब्लम आती है। मेरे केस में मैग्नेट्रॉन खराब है तो मैग्नेट्रॉन आज मैं आपको बदलना बताऊंगा। मैग्नेट्रॉन को चेक करने का बहुत सीधा सा फंडा भैया, अगर वोल्टेज इसमें प्रॉपर आ रही है 4400 वोल्ट के आसपास जो हमारा आउटपुट देता है, इसको कनेक्टर को इसका हल्का सा ऊपर करोगे प्लायर से पकड़ना और बहुत तेजी से स्पार्क होगा, तो दैट मीन्स अगर वो स्पार्क इसमें प्रॉपर जा रही है तब भी हीट नहीं कर, दैट मीन्स ये मैग्नेट्रॉन इसका खराब है, तो मैग्नेट्रॉन मेरे केस में खराब है। फोर्थ लेवल होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर जो इसमें होता है वो होता है 220 वोल्ट्स को कन्वर्ट करता है अराउंड 4400 वोल्ट को। अगर यार वो खराब है आपके क्या कहते हैं माइक्रोवेव में, तो एक काम कर सकते हो, उसको सही करने का एक बहुत आसान तरीका है, माइक्रोवेव को उठा के नाले में फेंक देना ज्यादा बेटर तरीका होगा, क्योंकि यार वो मेन पोर्शन है, उसके मैग्नेट्रॉन एक मेन पोर्शन आता है। ये मैग्नेट्रॉन अराउंड 600 रुपीज का आता है, देखो सब चाइना मेड इन चाइना होता है, इनमें स्टीकर जो होता है आप जो भी ब्रांड का चाहोगे उसका स्टीकर लग जाता है और कोई चीज नहीं। वोल्टेज इसमें देखी जाती है कितना वोल्टेज इनपुट का होता है, बस वो आप खरीद लो, और स्टीकर यार ये सब चाइना मेड होता है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे इंडिया में ये चीज मैन्युफैक्चर नहीं होता। ठीक, तो अब स्टार्ट करते, बातें बहुत हो गया, सब कुछ हमने बता बोल दिया, सब कुछ भाई देखो मैंने सब कुछ टेस्ट कर चुका ताकि ये वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप लेना लगे हो, मेरी भाषा अगर थोड़ा इरिटेटिंग लग रही तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार मेरे को बताना पड़ता कुछ लोगों को कि यार क्या क्या चीजें खराब है क्या क्या चीजें सही है, तो यार ये चीज खराब है इसको सही करने पे लग जाते हैं, और बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रहा इन्वर्टर की, उससे क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देख रहे हो इतना पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं, तो यार अगर इस डेडिकेशन से मैं आपको इस एनर्जी से मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ तो आपका भी एक फर्ज बनता है लाइक करने का। चलो घुसते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो अंदर खोलने के बाद हमारा माइक्रोवेव कुछ इस टाइप का होता है, देखो ये होता है मैग्नेट्रॉन हमारा, जो चार चीज हमने बताई थी जो खराब होते हैं वो तो पहले नंबर में डायोड, सेकंड नंबर में ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना जब भी खोलना, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर लेना किसी भी प्लायर या किसी चीज से कैपेसिटर, ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मर और ये हो गया हमारा मैग्नेट्रॉन।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। हमारे लेवल 3 की प्रॉब्लम है, मतलब ये चीज़ ख़राब है हमारी, इसको हम निकालेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे। चेक करने का और भी कुछ तरीके होते हैं, आप कंटिन्यूटी टेस्टर से आप ज़रा ये जो क्या कहते हैं फ्यूज़ है इसको चेक कर लेते हैं, ये मेन फ्यूज़ है, अगर सप्लाई नहीं आ रही दैट मीन्स ये ख़राब है, और अगर ट्रांसफार्मर में सप्लाई नहीं आ रही तो ये जो वाइट फ्यूज़ है बड़ा सा ये काफ़ी हैवी फ्यूज़ है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा 4400 वोल्ट आउटपुट देता है। तो अब हम ये इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमारे में ख़राब है। प्लीज ऊपर इनको हटा के साइड कर देंगे, और जो नीचे यहाँ जो आप स्क्रू देख रहे हैं इन स्क्रूज को ओपन करके इसको बाहर निकालेंगे, पहले इतना काम कर लेंगे। कुछ भी स्क्रूज खोलने बोलने सबसे पहले यार ये चीज़ तुम लोग ध्यान रखना कि जैसा जहाँ से निकाल रहे हो वैसा रखना, क्योंकि अगर तुम कोई पार्ट कहीं और से निकाले और कहीं और पे जोड़ दोगे तो कुछ और ही बन जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। फास्टफॉरवर्ड में स्क्रूज मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नियोडियम मैग्नेट में लगा लेता हूँ ताकि चीज़ें जल्दी आसानी, मतलब स्क्रूज बेसिकली गिरे ना, तो नियोडियम मैग्नेट से स्क्रू चिपका लिया करो, छोटा सा देसी से जुगाड़। सब कुछ निकालने के बाद देखो मैग्नेट अपना बहुत बढ़िया काम करता है, हमारा जो ये मैग्नेट्रॉन होता है ये तुम्हारा निकल जाएगा। मैग्नेट्रॉन निकाल के मैं दिखाता हूँ होता है कैसे, ये जो आप छोटा सा ट्रायंगल सा छेद देख रहे हो इसी से इलेक्ट्रो रेडिएशंस निकलते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फूड के वो वाइब्रेट करते हैं बहुत तेज़ी से और ये हीट करते हैं। अंदर दो मैग्नेट होते हैं रिंग मैग्नेट, बाकी सब तो नॉर्मल है। नया मैग्नेट्रॉन मैं लाया हूँ अराउंड 600 रुपीज़ का बताया हूँ, LG का ही है, मतलब लोकल ही है बेसिकली, तो इसको मैं लगा दूंगा सेम पोजीशन से जैसे मतलब मैंने निकाला था वैसे ही, तो हल्का सा ऊपर की क्लिप लगा के फिर वापस लगा देना। जितने भी स्क्रूज थे जो तुमने जहाँ से निकाले थे वापस ध्यान से लगा देना वहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा देखो भाई माइक्रोवेव है काफ़ी हाई वोल्टेज पे चलता है, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर तुम डिसाइड किए अपने घर पे करने को इस चीज़ को तो थोड़ा प्रिकॉशंस बस लेके रखना, क्योंकि करोगे तभी सीखोगे। तो देखो यार मैं भी फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रहा था, मैंने भी अच्छे से रिसर्च की फिर मैंने सब कुछ किया। ध्यान रखना तुम भी साइड की प्लेट्स जैसे निकाली थी उस टाइप से लगाना, अगर हो सकेगा एक छोटी सी वीडियो बना लेना ताकि तुम गलती ना करो। कनेक्टर मैंने वापस प्लग ऑन कर दिया, कनेक्टर प्लग ऑन करने के बाद डायोड अपने को चेंज करना, जो पुराना डायोड था वो भी मेरा ख़राब हो गया था, तुम चेंज कर ही देना यार अगर तुम्हारे पास मल्टीमीटर नहीं होता, तो मैंने नया डायोड ले आया है, नया डायोड मैं चेंज कर दूंगा। बेसिकली ये अर्थ से जुड़ा होता है, कैपेसिटर और अर्थ का बीच का कनेक्शन, ये चेंज करने के बाद टेस्टिंग बढ़ते हैं। सबसे डरावनी चीज़ जो है टेस्टिंग पे, ऑन करते हैं इसको, सप्लाई ऑन हो गई मेरी, बहुत पटती है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखे हो तो उसमें मैं भी दिखाया हूँ। वैसे फिलहाल ये माइक्रोवेव जो ट्रांसफार्मर है इसको मैंने यूज़ करके अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो बनाई थी, यही ट्रांसफार्मर यूज़ करके जो लगा हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देखो यार, उसमें जो भैया आर्क मैंने निकाले थे ना मज़ा आ जाएगा देख के। आई कार्ड में ऊपर मैं दे दूंगा वो वीडियो का लिंक। और रख रहे जय भोलेनाथ, बंद करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। आवाज नहीं कर रहा, पहले काफी तेज आवाज कर रहा था ये। ओके वो लाइट लगी है नीचे ट्रांसफार्मर से दूरी रहो, क्योंकि बहुत तेज इलेक्ट्रो वेव्स निकलती है, खुला होके चलाना नहीं चाहिए। अगर आप स्पेशलाइज जो इस चीज पे तभी खोलो, मेरे को आइडिया था, मैंने काफी रिसर्च की थी तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो गया 30 सेकेंड, जय भोलेनाथ, गर्म हो जाना चाहिए उम्मीद है। एंड यस, हाँ पानी गर्म हो गया, देखो हल्का सा वेपर्स आप अगर देख पा रहे हो, ये जो वाइट वाइट हल्का सा देख रहे हो ये वेपर्स है, पानी प्रॉपरली गर्म हुआ इसके और गर्म है। अब यार वो टेम्परेचर मैं कैसे आपको चेक करवाऊँ, ये देखो ये जो वेपर्स देख रहे हो ये खूब पूछ के दिखा रहा हूँ, देखो ये पानी के वेपर्स है ठीक। तो यार पानी तो प्रॉपरली गर्म हो रहा है इसमें, तो यार यही थी इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ा हमारा, ऑलमोस्ट 600 में निपट गया। अब अगर आप कोई भी नॉर्मल मैकेनिक के पास लेके इसको जाते तो अच्छा खासा 1200-2000 रुपये तो बहुत प्यार से वो ले लेता। हमारे एक डायोड बदला इसमें और एक हमारा बदला ये क्या कहते हैं मैग्नेट्रॉन, डायोड और मैग्नेट्रॉन हम लोग का इसमें चेंज हुआ और कुछ नहीं चेंज हुआ, बाकी सब कुछ जैसी थी वैसी की वैसी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको इस टाइप का जुगाड़ पसंद आया हो, देसी जुगाड़ है भाई, हम लोग घर पर चीज़ें टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसको जिसको सही करते हैं, ऐसे बहुत से चीज़ें कंप्यूटर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, मैकेनिक रिलेटेड, सब चीज़ का आपको कंटेंट आपको मेरे चैनल में मिलेगा। जाके एक बार चैनल को देखो, वीडियोस की लिस्ट देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपके एक छोटे से चीज़ से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, तभी इस सब वीडियो को बनाने में मेरे को और भी ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरे फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नए वाले जुगाड़ में, एक नए जुगाड़ लाएंगे, कुछ नया तिकड़म लाएंगे, तब तक ले बाय बाय,